हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई मैं फिर हाजिर एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में बताऊंगा अर्थिंग सिस्टम। ये अर्थिंग सिस्टम क्या होता है इलेक्ट्रिकल सिस्टम में, या इलेक्ट्रिकल सिस्टम में अर्थिंग का क्या वैल्यू होता है, ये कितने टाइप के अर्थिंग होता है, ये सारे चीज़ के बारे में इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊँगा। आप इस चैनल में बने रहें, और जो इस चैनल में नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। अर्थिंग एक सिस्टम है, किसी भी इलेक्ट्रिकल सिस्टम का एक सिस्टम है। जब कभी भी लीकेज करंट या एक्सेसिव करंट किसी भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट या इक्विपमेंट में आता है, तो उसमें जब पर्सनल काम कर रहे हैं या जो बंदा काम कर रहा है उसको शॉक्स लगने का चांस है, यानी कि करंट लगने का चांसेस रहता है। तो इस दुर्घटना को कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि उसको अर्थिंग सिस्टम प्रोवाइड करते हैं। इसी में ज़मीन में एक अर्थ पिट बनाते हैं और उसको उस इक्विपमेंट यानी कि जो पार्टिकुलर इक्विपमेंट इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है उसको उसके साथ हम लोग कनेक्ट करते हैं थ्रू द केबल, कॉपर केबल के थ्रू में। अब बात रही कि अर्थिंग कितने तरह का होता है, तो जनरली अर्थिंग तो बहुत तरह का होता है, बट इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से अब देखा जाए तो अर्थिंग तीन तरह का होता है। फर्स्ट होता है रोड अर्थिंग, सेकंड होता है प्लेट अर्थिंग एंड थर्ड होता है स्ट्रिप अर्थिंग। रोड अर्थिंग की बात करें तो जब कभी भी सब स्टेशन बनाते हैं या बिजली घर जिसको बोलते बनाते हैं या कोई घर बनाता है, तो हम लोग क्या करते हैं एक रड डालते हैं, कॉपर हो या फिर 7 फीट नीचे गड्ढा खुदाई करके हम लोग रोड डालते हैं। और उसमें क्या करते हैं नीचे हम लोग केमिकल्स यानी कि चारकोल सा इंसॉल्ट वगैरह डाल करके एक स्ट्रॉन्ग अर्थ पिट बनाते हैं। उस रोड के थ्रू से हम लोग कनेक्ट करते हैं केबल, कॉपर के केबल को, और पूरा इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को हम लोग उसको कनेक्ट करते हैं। नेक्स्ट होता है प्लेट अर्थिंग। प्लेट अर्थिंग भी कुछ नहीं है, एक देखा जाए तो रोड अर्थिंग के साथ एक प्लेट डालते हैं और वो प्लेट क्या करता है स्ट्रॉन्ग अर्थ देता है, यानी कि उसका जो पाथ होता है वेरी इजी होता है एज कम्पेयर टू रॉड अर्थिंग। तो इसके लिए हम लोग क्या लगाते हैं प्लेट लगाते हैं, यानी कि जो भी रॉड है रॉड के नीचे में एक प्लेट लगाते हैं और उसको नीचे में अंडरग्राउंड कर देते हैं। तो इससे क्या होता है पाथ होता है अर्थ का वो इजिली आता है। आगे आता है स्टिप। स्टिप क्या है कि ये कॉपर का एक प्लेट होता है, यानी 6 mm या 4 mm मोटाई होता है, और उसको हम लोग क्या करते हैं कि जैसे कि कोई सब स्टेशन बन रहा है या बिजली घर बन रहा है उसको हम लोग बिल्डिंग के साइड से उसको हम लोग स्ट्रिप को क्लैंप के थ्रू से उसको बोर्ड यानी कि उसके घर पे या बिल्डिंग में डालते हैं। ये एक लाइटिंग अरेस्टर से भी बचाता है, जब कभी थंडर पड़ती है तो उसका जो बहुत ज़्यादा एक्सेसिव जो पावर होता है उसको भी हम लोग ग्राउंडिंग करते हैं किसी भी बिल्डिंग में, तो यह भी हम लोग स्ट्रिप अर्थिंग के थ्रू से ही करते हैं। स्ट्रिप अर्थिंग में क्या होता है कि हम उसको किसी बिल्डिंग के स्ट्रिप से पूरा कॉपर का स्ट्रिप से उसको घुमा करके उसमें क्लैम के थ्रू से लगा करके उसको अर्थ पिट के साथ साथ उसको करंट करते हैं। तो जो भी एक्स्ट्रा करंट या एक्सेसिव करंट होता है इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट का या कुछ भी उसके साथ कनेक्ट करके उसमें ग्राउंडिंग करते हैं। तो आई होप आपको पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।